प्यार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉर्टिकल्चर। मैंने बताया था ना, हॉर्टिकल्चर में प्रवर्धन स्टार्ट करेंगे, प्रोपोगेशन जिसे कहते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं प्रवर्धन प्रोपोगेशन, जिसमें हमारा कलम है, कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये सब चलता है। तो आइए देखते हैं प्रोपोगेशन क्या होता है, प्रवर्धन क्या होता है। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए, मैं इंग्लिश में डिफिनेशन लिखा हूँ, बता दूंगा हिंदी। प्लांट प्रोपोगेशन इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग द प्लांट। प्लांट प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन वह होता है जो प्लांट में, जो इसमें कुछ चेंजिंग लाकर उसको एक उपयोगी पौधा बनाया जाए, उसे कहते हैं। ये सिंपल मैंने अपनी द्वारा बनाई है, आप ये याद रखना। प्लांट प्रोपोगेशन इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग द प्लांट। प्लांट प्रोपोगेशन टाइप्स, तो ये टू टाइप्स का होता है, दो प्रकार का होता है। देख लीजिए, पहला सेक्सुअल प्रोपोगेशन, जिसे लैंगिक प्रवर्धन कहते हैं, या बाई सीड द्वारा होता है, और असेक्सुअल प्रोपोगेशन, अलैंगिक प्रवर्धन या विजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो प्रोपोगेशन टू टाइप्स का होता है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन, असेक्सुअल प्रोपोगेशन हिंदी में कहते हैं लैंगिक प्रवर्धन और अलैंगिक प्रवर्धन, और बाई सीड द्वारा भी जानते हैं इसको नाम से, और अलैंगिक प्रवर्धन तो विजिटेटिव प्रोपोगेशन का। विजिटेटिव प्रोपोगेशन द्वारा मतलब, विजिटेटिव मतलब अन्य पौधे के अन्य भाग के द्वारा प्रवर्धन होना, और सेक्सुअल प्रोपोगेशन में बाई सीड, बीज के द्वारा प्रोपोगेशन होना, या नेचुरल होता है, बीज द्वारा होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, पपीता, नींबू, फालसा इत्यादि इत्यादि। पपीता, नींबू, फालसा, ये मेन इंपॉर्टेंट है आपके, उदाहरण याद रखना, पेपर में एग्जाम में पूछ लेता है सेक्सुअल प्रोपोगेशन किसमें होता है, तो पपीता, नींबू और फालसा में होता है आपका। अब देख लीजिए, विजिटेटिव प्रोपोगेशन दो प्रकार का होता है, बाय नेचुरल प्राकृतिक द्वारा, और बाय आर्टिफिशियल, जो मानव द्वारा चेंजिंग की करके बनाया जाता है, उसे बाय आर्टिफिशियल कहते हैं। बाय आर्टिफिशियल में देख लीजिए अपना, चार प्रकार का होता है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और बडिंग। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग। कटिंग माने कलम होता है आपका, और लेयरिंग माने दाब विधि जिसे कहते हैं, और ग्राफ्टिंग माने उपरोपण या कलम बंधन, और बडिंग माने कलिकायन। ये जो चारों हैं हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे पूरा, इसमें भी आठ आठ दस दस भाग हैं उन सभी को, तो उन सबको हम पढ़ेंगे। और इसको देख लीजिए, बाय नेचुरल में इसमें कुछ उदाहरण हैं जो आपको, इसमें देखिए रनर्स, तो दूम में प्रोपोगेशन रनर्स द्वारा होता है। दूम में अपना प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है, तो रनर्स द्वारा दूम में प्रोपोगेशन होता है। सकर्स द्वारा किसमें होता है, तो बनाना और ग्लेडियोलस में सकर्स द्वारा प्रोपोगेशन होता है। बनाना का आप देखिए ना, जब केला फट जाता है एक बार, तो वो दोबारा फल नहीं देता, उसको काट देते हैं, तो उसको काटा हुआ जो पुत्ती निकलती है उसको विजिटेटिव वो प्रोपोगेशन हो गया ना, तो उसे सकर्स कहते हैं। सकर्स द्वारा निकलता है, सकर्स उसके निचले वाले भाग से जब हम पढ़ेंगे, तो ऐसे जैसे रहता है अपना केला, तो ये नीचे अपनी रहती है जड़, तो ये सकर्स, सकर्स से फिर निकल जाता है एक नया पौधा, जान गए ना, देखे होंगे। बल्ब, बल्ब देखो, ऑनियन और गार्लिक में बल्ब द्वारा प्रोपोगेशन होता है, उनका बल्ब जो हम लोग खाते हैं उसी के द्वारा उनका निकलता है बीज, बीज जिसे हम कहते हैं, वो बल्ब रहता है, बीज नहीं रहता है। ट्यूबर, ट्यूबर देखो, पोटैटो, पोटैटो का जो हम खाते हैं वो ट्यूबर रहता है, ट्यूबर द्वारा उसका प्रोपोगेशन होता है। और ऑफ सीड्स, जलकुंभी में होता है, जलकुंभी अपना। कॉर्म, कॉर्म देख लीजिए, ग्लैडियोलस और कोर्कस में होता है कॉर्म। राइजोम रूट, जो जिंजर और टर्मेरिक, जिंजर और टर्मेरिक जान गए ना, हल्दी को टर्मेरिक कहते हैं, जिंजर अपना है। आज देख लीजिए, फ्लैशिंग रूट, फ्लैशिंग रूट स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो माने गंजी को कहते हैं, और डहेलिया, डहेलिया पुष्प में होता है। स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब देख लीजिए, लैंगिक प्रवर्धन और अलैंगिक प्रवर्धन में अंतर, सेक्सुअल प्रोपोगेशन और असेक्सुअल प्रोपोगेशन में अंतर क्या है, तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन में पहला पॉइंट देख लीजिए, बीज द्वारा पौधे का प्रवर्धन किया जाता है, इसमें बीज द्वारा पौधे का प्रवर्धन किया जाता है, इसमें इसमें अलैंगिक प्रवर्धन। उदाहरण देख लीजिए, पपीता, नींबू, फालसा, अभी मैंने पीछे भी बताया था आपको, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कुछ कि जितना भी जिसमें भी पढ़ाया जाएगा आप याद रखना। बीज के अलावा पौधे के अन्य भाग से, बीज के अलावा
जो अलैंगिक प्रवर्धन अपना है सेक्सुअल प्रोपोजल, बीज के अलावा बीज को छोड़कर पौधे की किसी भी भाग से प्रवर्धन करना अलैंगिक प्रवर्धन कहलाता है, जैसे जड़ तना पत्ती के द्वारा प्रवर्धन करना कहलाता है। इनके बारे में भी हम बताएंगे, जड़ तना पत्ती, बाई रूट, बाई एथुआ, ये सब उसमें हम पढ़ेंगे, और कटिंग बडिंग लेयरिंग बाई आर्टिफिशियल वाला भी बता देंगे आपको। और देख लीजिए बहुभूर्ता, बहुभूर्ता देखिए सबसे ज्यादा सीट्रस की होती है, आम को होती है, उसके बाद जामुन को होती है, आपको याद रखना है बहुभूर्ता किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसे वनस्पतिक प्रवर्धन भी कहते हैं, किसे अलैंगिक प्रवर्धन को वनस्पतिक प्रवर्धन भी कहते हैं। देख लीजिए लैंगिक प्रवर्धन वाला जो पौधा होते हैं उससे संकर नए गुण विकसित करने हेतु उपयोग में लिए जाते हैं। जो लैंगिक बीज द्वारा पौधे उगाए जाते हैं उन्हें संकर बीज या नए गुण के पौधे विकसित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। और लैंगिक प्रवर्धन ये संतत पौधे मात्र पौधे के समान होते हैं, इससे जो पौधे होते हैं संतत पौधे वो मात्र पौधे जिस पौधे से इनका प्रवर्धन किया गया है उन्हीं के समान होते हैं, इनको उपयोग में नहीं ले सकते हैं अगर कोई रिसर्च करना हो तो। ट्रू टू टाइप इसीलिए इसे कहा गया है। विकसित परिस्थितियों के प्रति सहनशील होते हैं, जो अपने बीज द्वारा पौधे होते हैं ये विपरीत परिस्थितियों के प्रति सहनशील होते हैं, क्योंकि वह उन्हीं के लिए उगाया गया है, अपने आप उगा है ना, ये सहनशील नहीं होते, ये कमजोर होते हैं क्योंकि इसको प्रवर्धन किया गया आर्टिफिशियल के द्वारा। इसे अधिक समय लगता है उगने के लिए, इसको लैंगिक प्रवर्धन, आप जैसे आम के पौधे लगाएं, आम के पौधे बीज से उगाएं, ये 10 साल बाद जाकर आपको फल देता है, वहीं पर अगर अलैंगिक प्रवर्धन इससे उत्पादन लेने है कम समय लगता है, अगर उसे अलैंगिक आर्टिफिशियल द्वारा कटिंग बडिंग लेयरिंग या ग्राफ्टिंग द्वारा आप करते हैं तो 2 या 3 साल के अंदर अंदर, अब तो साल ही भर के अंदर अंदर में फल देने लगते हैं। तो यही बात है, प्रोपोगेशन का लाभ और एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है ये, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल की क्लास जब आएगी आपको तो उसमें हम कटिंग बडिंग लेयरिंग ग्राफ्टिंग ये तीनों अलग अलग क्लास में करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर हो जाएंगे, क्योंकि कटिंग में 10 भाग पढ़ना आपको, कटिंग फिर कटिंग कैसे की जाती है, कटिंग कैसे लगाई जाती है, आपको कलम करना सिखाऊंगा मैं ना इसीलिए, और बाकी जो जड़ तना पत्ती द्वारा भी बताना है आपको, ये सब बताएंगे आपको। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेशन के माध्यम से बताइए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जो नए स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि अब हमारा हॉर्टिकल्चर का अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं मेन टॉपिक, प्रोपोगेशन के बाद आपको आएगा बाग बगीचे लगाने की विधियां आपको पढ़ाएंगे, तो आपको एकदम पूरा साइंटिस्ट बना देंगे। आपको कैसा लगी क्लास कमेंट सेशन के माध्यम से बताइए, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।